नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूँ लक्ष्मी सिंह राजपूत, प्रस्तुत है समाचार। बारिश ने बनाया बेघर, पड़ोसी ने दिया रहने को शरण। भंडरिया से हमारे संवाददाता इरशाद आलम की रिपोर्ट। भंडरिया, दो दिनों से लगातार बारिश की वजह से प्रवासी मजदूरों का कच्चा मकान देर रात ध्वस्त हो गया। बताया जाता है कि राम शंकर मांझी बाहर काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो अपने घर 4 महीनों से रह रहे थे। यहाँ कोई रोजगार न होने की वजह से पैसे के अभाव में खपड़ेल मकान की मरम्मति नहीं करा पाए। पानी रिसाव के कारण उनकी मकान ध्वस्त हो गई। बाल बाल वो बच भी गए। घर के लोग देर रात सो भी रहे थे। अचानक से घर ध्वस्त हो गया। किसी को कोई हताहत या नुकसान नहीं हुई है। इस संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर उचित मुआवजे की मांग की गई है। कैसे आपका घर गिर गया? घर क्या गिर गया, मैं चला गया था काम करने के लिए केरला में, वहाँ मजदूरी कर रहे थे, लॉकडाउन में फंस गए। फंसने के बाद हुआ क्या कि हम लोग 12 दिन काम किए और 45 दिन बैठकर खाए, पैसा वहाँ से आया नहीं, किसी तरह घर में आए, घर में मरम्मत नहीं कर सका, जिसका नतीजा हुआ कि मैं मेरा मकान धस रहा है और अतिवृष्टि से घर गिर गया है। तो मतलब ये कल का बारिश की वजह से आपका घर गिर गया? जी हाँ, कल के बारिश से रात भर बारिश हुई, रात भर बारिश हुई है और हम लोग सोए हुए थे पति पत्नी इस रूम में, वो भी दब गया है, उसमें डंटा उंटा गिर गया पूरा, वो तो कैसे बच गई। मतलब वहाँ पे कोई सोए हुए थे? जी सोए हुए थे, खटिया देखिए लगा हुआ है अभी तक। तो आपने आवेदन लगाया? नहीं, अभी जा रहा हूँ आवेदन लगाने के लिए। छोटी बड़ी हर खबर डेली न्यूज झारखंड पर, तो सब्सक्राइब करें डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज।